महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य गुरुवार को मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां उन्होंने अफसरों की क्लास ली। उन्होंने पोषण के मामले में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश की कैबिनेट मंत्री ने निर्देशित किया कि शासकीय योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचना चाहिए। राज्य मंत्री ग्राम्य विकास ग्रामीण अभियंत्रण विजय लक्ष्मी गौतम भी बैठक में मौजूद रही। गुरुवार देर शाम विकास भवन सभागार में हुई समीक्षा बैठक से पहले महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 5 बच्चों को लैपटॉप का वितरण किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता एवं संरक्षकों को खोने वाले बच्चों के पालन पोषण शिक्षा और संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने ये योजना प्रारंभ की है। बैठक में उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण की समीक्षा करते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए। पोषण अभियान के तहत सैम एवं मैम बच्चों की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही चिन्हित सभी बच्चों एवं उनके माता पिता को बाल विकास विभाग एवं कन्वर्जेंस विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से पात्रता के आधार पर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। देखिए, हम अपनी विभागीय समीक्षा के लिए आए हैं और संगठन के भी कार्यक्रम है, उसके लिए हम जा रहे हैं। आके विभागीय समीक्षा करेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करेंगे, सब देख के फिर हम जाएंगे। किस तरह का प्रोग्राम है, कब तक मुजफ्फरनगर में रहेंगे? हम शाम तक रहेंगे। सर, हम मैडम को ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन मैडम का व्यवहार हमें सही नहीं लगा, क्योंकि खुद महिला होकर और मतलब महिलाओं के महिलाओं का मतलब इस तरीके से निरादर करके जिस तरीके से वे गाड़ी में बैठी हैं, हमें अच्छा नहीं लगा। और मतलब जिस तरीके से ज्ञापन नहीं गाड़ी में बैठ कर लिया, वो बात सही है, लेकिन महिला यहाँ 10 महिला खड़ी हुई हैं, उन सुबह 9 बजे के हम खड़े हुए उनसे मिलने के लिए, तो कम से कम वो हमारा दुख दर्द कुछ तो पूछ लेते। किस तरह की समस्या थी आपको? मैं एक आंगनबाड़ी वर्कर हूँ और आंगनबाड़ियों का मतलब काम तो इतना है और मानदेय हमारा कुछ भी नहीं है। योगी जी ने जो मतलब हमारे 1500 रुपये बढ़ाए थे, ना तो हमें वो मिले, फिर हमारे 8500 रुपये करे, हमें आज तक वो भी नहीं मिले। करोना में हमने इतना काम करा है, भाई 2500 का काम हम करते हैं और 0 से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल हम करें। जितना भी मतलब वर्क होता है, चुनाव में ड्यूटी होगी तो आंगनबाड़ी, वोट बनाऊँगी तो आंगनबाड़ी, जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो आंगनवाड़ियों को याद कर लिया जाता है, और आज आंगनवाड़ियों को सरकार की जरूरत है तो उनकी अनदेखी हो रही है।